काफ़ी अच्छी थी मूवी एंड टाइगर 3 लाइक बहुत वेट कर रहे थे लोग, टाइगर जिंदा है एक था टाइगर के बाद, एंड इट वॉज गुड, रिव्यूज आर गुड, स्टोरी अच्छी थी, सेकेंड हाफ इज गुड. इमरान हाशमी एज अ विलन नाइस, हमेशा हीरो की तरह देखा है लोगों ने उसको, सो इट वॉज गुड. शाहरुख खान एंड सलमान खान दोनों साथ में थे इसीलिए आई थिंक मूवी ज़्यादा हिट हुई है. यस, स्टोरी लाइक पैट्रियोटिक है तो ऑब्वियसली अच्छी है मूवी, ओवरऑल 8/10 अच्छी लगी. स्टोरी कैसी है मूवी? अच्छी है. शाहरुख खान के बारे में क्या बोलोगे? बोलो. शाहरुख खान कैसी लगी मूवी? बेस्ट एंट्री. शाहरुख खान की बहुत अच्छी एक्टिंग है, इमरान हाशमी भी बहुत अच्छे थे अपने रोल में, भले ही नेगेटिव रोल में थे लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. कैटरीन स्टोरी बहुत ऑसम थी, कोई फ्लॉ नहीं था स्टोरी में. पेट्रियाटिक मूवी है, इंडियंस को हमने आगे ही रखा है जैसे हम हमेशा रखते हैं, और हमने ये दिखाया है कि ISI एजेंट्स और रॉ एजेंट्स के बीच में इन लोगों ने पहले मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई और फिर उसका क्लियरेंस दिखाया है. अच्छी मूवी थी. इमरान हाशमी एक्चुअली इसमें एंटी हीरो हैं तो इसीलिए, पर क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं तो थोड़ा सा दिल तोड़ दिया उन्होंने, पर एंटी हीरो में भी वो अच्छी रोल प्ले किया. हाँ जी, बहुत अच्छी लगी हमें तो फुल टाइम पर. एक्चुअली सलमान खान हमारा फेवरेट है, उसकी मूवी हम शाहरुख खान और ज़्यादा दोनों को साथ देख के और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. स्टोरी ठीक है, टच है, मुझे स्टोरी नहीं बस हमें वही देखने थे, मार धाड़ एक्शन था. हाँ जी, ठीक थी, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा ऐसे जितना सोचा था. पहली दो अच्छी लगी हमें, हाँ एक्सपेक्ट के हिसाब से नहीं था. शाहरुख और सलमान को देख के अच्छा लगा, कोई अच्छा लगा, और कैटरीना को देखना था. दैट्स ऑल. स्टोरी के बारे में कुछ है, मैसेज वगैरह मूवी के अंदर कुछ? मैसेज तो ऐसा कुछ खास नहीं, मैसेज है जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी वो किया, पूरा फेयर दिखाया उनको, अच्छा लगा ये चीज़. दोनों देशों को जोड़ने की बात कर रहे हैं. हाँ करते तो हैं लेकिन होती कहाँ है, होता कहाँ है, होता नहीं है.